खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। कानपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल 25 नवंबर को ग्रीन पार्क स्टेडियम पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच टेस्ट मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि बीते 5 सालों से कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम पर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला गया है, जिसके चलते बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल ने इस नवंबर में ग्रीन पार्क में होने वाले टेस्ट मैच की मेजबानी पर मुहर लगा दी है। बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में चौथी बार न्यूजीलैंड टीम भारतीय टीम के साथ टेस्ट मैच खेलेगी। इस ग्राउंड पर 2016 को न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला गया था। उस समय भारतीय टीम ने 197 रन से न्यूजीलैंड को हरा दिया था। सर बहुत एक्साइटेड है हम लोग, ताकि मतलब काफ़ी दिन से यहाँ पे मैचेस नहीं हुए, हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि इंटरनेशनल मैच मिले, क्योंकि उनको देख के इंस्पायर होते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगता है उनको बैटिंग करते लाइव देखना, मतलब टीवी पे देखते हैं लेकिन जब आंखों से अपने देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम अमित पाल है, मैं यहाँ पे क्रिकेट प्रशिक्षक हूँ और 2017 के बाद कोविड के बाद इतने दिनों बाद जो मैच मिल रहा है एक बच्चों के अंदर ग्रीन पार्क कानपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा उत्साह है कि बहुत दिनों बाद एक टेस्ट मैच हमारे सेंटर को मिला हुआ है। वो देखने के बच्चों या नागरवासियों के बहुत बड़ा उत्साह, इसमें एक अलग से एनर्जी मिलेगी इनको, बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने के मिलेगा इससे। बता दें कि कानपुर को टेस्ट मैच मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि स्मार्ट सिटी की बैठक के चलते 70 लाख रुपए से लिफ्ट बनाने और 5 करोड़ विजिटर और पवेलियन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा चुकी है। जल्दी निर्माण कराने की कोशिश की जा रही है। कई सालों से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम पर नहीं खेला गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, जिसके चलते क्रिकेट प्रेमियों पर छाई थी मायूसी। लेकिन 25 नवंबर को इसी ग्रीन पार्क स्टेडियम पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा टेस्ट मैच, जिसके कारण क्रिकेट प्रेमियों पर खुशी की लहर है। कानपुर से सचिन मिश्रा, AB News, आप तक।